बहुत ही अदब के साथ दिया जाता है। लेकिन मुझे मौसीकी की तालीम, आप सभी जानते हैं उनको, उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब, उनसे मिली और मिल रही है। क्या बात, बस ये अल्लाह का करम और उनकी दुआ है, उनका आशीर्वाद है, बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे गाना बजाना सिखाया और सिखा रहे हैं, उनको औलाद की तरह पाला है। और जुनून में आप कंटेस्टेंट थे? जुनून तो एक बहुत बात की बात है, लेकिन बहुत ही मेरे लिए बहुत फख्री बात है कि सारेगामा 1997 में मैंने पार्टिसिपेट किया था जी। और उस सारेगामा में पहले मैंने फाइनल जीता, उसके बाद 1998 में उसी प्रोग्राम का मैंने मेगा फाइनल जीता जी। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि उस वक्त सिर्फ म्यूज़िक होता था, यानी कि अब ड्रामा ज़्यादा होता है और म्यूज़िक कम होता है, लेकिन उस ज़माने में जो है वो संगीत ज़्यादा होता था। नहीं, आजकल तो दोनों लोगों के बीच में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, कोई रो पड़ता है, कोई चार मिसरे हैं साहब कि परिंदों को मंजिल तो मिलकर रहेगी, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो जो जितना लबरेज है, जिसके पास भरा हुआ है, वो जरा बोलेगा नहीं, बात कम करेगा, करेगा ज्यादा, करेगा ज्यादा। तो जनाब आपकी एल्बम गुजारिश जी, इससे अगर आप जी, जरूर जरूर। इसमें एक गजल है जो जाती तौर पे मुझे बहुत पसंद है, इसको लिखा है मोहम्मद सैफ बाबर साहब ने। खुदा करे कि वो मेरा नसीब हो जाए, खुदा करे कि वो मेरा नसीब हो जाए, वो जितना दूर है उतना करीब हो जाए, वो जितना दूर है उतना करीब हो जाए, खुदा करे। क्या बात है, क्या बात,